और ये पानी पिया जा रहा है इधर छमोट लगा के। तो दगड़ियों ये है मेरा खाना। साथियों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है अनएक्सप्लोर्ड पहाड़ के इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों अभी मैं हूँ अपनी छान में और हमको जाना है अभी घास काटने। ये नीचे ये जो आपको पल्ली पारे धार दिख रही है ना, इधर ये खेत है हमारे। तो पहले नीचे घाटी उतरनी है, फिर वहां से ऊपर चढ़ना है, फिर घास काटेंगे माता जी लोग। तो चलो आज की वीडियो में दिखाते हैं पहाड़ में घास कटाई की सेरेमनी और थोड़ा बहुत लोकगीत भी लगाऊंगा इनसे अगर ये लोग साथ देंगे तो। चलो मिलते हैं फिर आगे आप सभी को और वीडियो को एंजॉय करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें साथियों। साथियों जब हम छोटे छोटे थे तो सुबह शाम इन्हीं रास्तों से आना जाना रहता था हमारा। और साथियों अपना बचपन ना इन्हीं रास्तों में गुजरा है। सुबह इनसे स्कूल जाते थे बेसिक में और शाम को घर, शाम को यहाँ छान में, और शाम को भैंस के लिए भीमल लाना पड़ता था दूध पिलाने के लिए। बहुत यादें जुड़ी है साथियों इन रास्तों से। अब कहाँ समय मिलता है, सब लोग व्यस्त हैं अपनी जीवनचर्या में। और ये हमारी गार्ड है नीचे साथियों, ये जो बहुत मच्छियाँ पकड़ रखी इस गार्ड, इसमें बहुत सारी मच्छियाँ पकड़ी है बचपन में। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाते थे, कभी कभी बह भी रखे हैं इस गार्ड में नीचे तक। और जब गार्ड में रहते थे ना बासा, मतलब जब छान से अप डाउन करते थे स्कूल के लिए, उस समय घराट भी रहती थी इसमें। अब तो केवल लोग 2-3 महीने के लिए आते हैं फॉर्मेलिटी करने। अब वो रौनक नहीं रही साथियों पहाड़ों में जो उस समय थी, है ना। सब लोग बाहर हैं, करना भी क्या है, रोजगार के साधन तो ढूंढने पड़ेंगे ना। और ये देखिए सुंदर विहंगम दृश्य प्रकृति का, है ना। धूप भी नहीं है इसलिए ठीक है मौसम, घास काटने योग्य है। पिछली बार जब आए थे तो बहुत तेज धूप हो रही थी, उस वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने सर के ऊपर ताल घोड़ा बांध दिया था। तो आज ठीक है मौसम, फेवरेबल है। एक छान उधर है और ये हमारी छान है। अब 2-4 दिन है बड़े जी लोगों की छान, इसकी घसाई लिपाई हो चुकी है, बस आने वाले हैं यहाँ पशु अब 2-4 महीनों के लिए। 2-4 महीनों के लिए मेरी नानी जी लोगों की छान है। यहाँ पहले बकरी रहती थी बहुत सारी, और बकरियों का खोल्डा बना रखा बाहर पे। ये हमारे गांव के सयाना जी लोगों की छान, पवार जी लोगों की। ऐसी झाड़ियों से चढ़ रहे हैं ना अभी उस धार से, तो आगे नीचे इधर इतने कुमरे हैं, सारे कपड़े हो गए खराब। साथियों ये है कुमरे, इन्होंने परेशान करके रखा आज। उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमने माताजी लोगों ने घास कटाई करनी है। मैं और पिताजी पेड़ में लगाएंगे उसको जो काटेंगे, और दिखाता हूं आपको। रास्ते में चलते चलते कुमरे से भर गई पूरा ट्राउजर, ये देखिए। पूरा भर गया पैंट। तो साथियों ये है हमारा सुंदर गांव गडोली, और यहां से आए हम इधर इधर नीचे 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 और इधर बढ़िया यार पहुंच चुके हैं। भाभी जी लोग 10-10:30 बजे आ रहे हैं इधर। तो साथियों घास काटते काटते दिन के 12 बज चुके हैं और सब इस ढंगार में काट रहे हैं, माता जी भाभी जी, ये देखो। तो चलो आगे,
दगड़ियों ये काटा जा रहा है इतने ढंगार में घास, और ये नीचे गाड़ हमारी। और ये है हमारा गांव ऊपर, ब्यूटीफुल। अब दिन का भोजन का समय हो चुका है, और जंगलों में कैसे भोजन होता है बिट्टों में पहाड़ों में वो दिखाते हैं आपको। और सब लोग बैठ गए, ये देखो ये प्यारी भाभी जी है, भाभी जी बुखार से त्रस्त है आजकल, और ये माता जी लोग हैं इधर भोजन के पिटारे, और ये पानी पिया जा रहा है इधर छमोट लगा के। ये हो रहा है हमारा खेतों का खाना, ये आ रखा हमारा भुज्जी का पिटारा, और ये हमारे सरोला जी, और ये है पहाड़ी चम्मच। पहाड़ी चम्मच, जब चम्मच भूल गए तो पहाड़ी तो बनानी पड़ेगी ना। ये दवाई है हमारी दही, तो 3:30 हो चुका है और मुझे घर जाना पड़ेगा भैंस बांधने के लिए। और अंतिम क्षणों में भाभी जी लोगों को बोलता हूँ बाजूबन लगाने के लिए पौराणिक लोकगीत उत्तराखंड के, जो अब बहुत कम सुनाई देते हैं। और भाभी जी को थोड़ा बुखार भी आ रहा है, थोड़ा जोर जबरदस्ती करता हूँ इनके लिए, और थोड़ा गीत गाएंगे, सभी लोग साथ देंगे इनका। तो चलिए आगे, सड़ सड़ करो मत बोल ना, वो बिना जाने बेड़ी काट में हरा जगे ल्यारो को जोंडो साथी लानो दो मेरा कोड़ी तारा का क्या लगाना दो जोड़िया साथी बोली नाम प्यारी साखी साथी लाब बोल तो
तो साथियों आज का जो बाजूबंद वाला सीन था वो खत्म हो चुका है। भाभी लोग मना कर रहे हैं, अब मैं चलता हूँ सीधा छान के लिए, भैंस को बाहर बांधता हूँ, फिर वीडियो भी समाप्त कर देंगे घर पहुंच के। तो साथियों मेरी भारी हो चुकी है तैयार, ये ले जानी मुझे घर, उतनी हाइट में ले जानी है ऊपर ये बोझा। तो चलते हैं ऊपर, फिर मैं चला घर को ये बोझा लेके। है आप ही बांधना, तो चलते हैं साथियों घर को। माता जी लोग लेट आएंगे, भाभी जी लोग, मुझे भैंस बांधने जाना है। ठीक है फिर मिलते हैं ऊपर सीधा छान में। उस बिट्टे से मैं नीचे आ चुका हूँ, इधर से नीचे छानियों से होते हुए इस रास्ते से और ऊपर जाना है अभी, तो चलते हैं आगे। तो साथियों छानी में पहुँच चुका हूँ और पसीने से तर हो चुका हूँ, पूरी शर्ट गीली हो चुकी है पीछे से। अब भैंस को बांधता हूँ बाहर। तो साथियों छानी में पहुंचने के बाद ये मैंने भैंस के लिए थोड़ा स्यारू काट दिया है। इस घास को स्यारू बोलते हैं हमारी भाषा में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं गढ़वाली में इस घास को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मैं भैंस के लिए ले जा रहा हूँ और ये पानी की बाल्टी भी है, इसे भी ले जाता हूँ उधर। और साथियों हम मैं जो घास काट के आया, माता जी लोग नीचे हैं, यहाँ जो आपको खेत दिख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ है माता जी लोग, दिखाता हूँ आपको जूम करके। हैं ये यहाँ पे माता जी, ये यहाँ काटा हमने घास। तो साथियों शाम को भैंस चरा रहा हूँ, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को घसियारियों के बाजूबंद अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपको ऐसी किसी पहाड़ी लाइफ स्टाइल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखना, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल माई फ्रेंड। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।